नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूँ आपके साथ भावना। कोलकाता के आरजीगर अस्पताल में हुए रेप मर्डर केस के विरोध में देश भर में लगातार प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें, कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सीबीआई संदीप घोष से 6 दिन से पूछताछ कर रही है, लेकिन इसी बीच आरजीगर अस्पताल के पूर्व उपाध्यक्ष अख्तर अली ने संदीप घोष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, अख्तर अली ने दावा किया है कि डॉक्टर सिफी दयंदगी का मुख्य आरोपी संजय रॉय पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सुरक्षा में शामिल था और उनके बाउंसर के रूप में काम करता था। साथ ही अख्तर अली ने यह भी दावा किया कि संदीप घोष अस्पताल के लापरवाही शवों को बेचने सहित कई अवैध गतिविधियों में शामिल था। इतना ही नहीं, बल्कि अख्तर अली का आरोप है कि घोष बांग्लादेश में बायोमेडिकल अपशिष्ट और मेडिकल उपकरणों की तस्करी में लगा हुआ था। अख्तर अली का कहना है कि उसने इस संबंध में विजिलेंस कमेटी के सामने शिकायत भी की थी, जो कि जांच का हिस्सा भी था, लेकिन फाइनल रिपोर्ट देने के बाद 2 घंटे बाद ही उसका ट्रांसफर करा दिया गया और शिकायत के बाद भी संदीप घोष पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि अब संदीप घोष पर लगे इन आरोपों की जांच हो रही है और जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि असल में अख्तर अली में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।